नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। क्योंकि 2011 में भी यूपीएससी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिलीजियस कल्चर था, उसकी जो इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर एक प्रश्न पूछा था, और 2013 में भी उन्होंने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन और कल्चर में जो भेद है, जो डिफरेंस है वो क्या है, उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो दोनों एक ही है, हालांकि ऐसा नहीं है। सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दोनों अलग अलग है। सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है वो लैटिन वर्ड सिविलिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग्स होता है सिटीजन्स, यानी कि जो जो सिविलाइजेशन होती है वो जो सभ्यता है वो उसका मापन किया जाता है, लेकिन जो संस्कृति है उसका मापन नहीं किया जा सकता। सिविलाइजेशन इज एन एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पोजेसिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल यूनिटी, यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो एक मानव की एकता जो होती है, उसका जो इतिहास होता है उसको दर्शाता है। वही जो कल्चर है उसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड कल्चुरा से लिया गया है, जिसका मीनिंग्स होता है कल्टिवेशन, ये आपको याद रखना है। द कल्चर इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी, यानी कि एक जो सभ्य समाज है उसके अंदर कुछ जो लोग, उसका जो ट्राइब्स, यानी ट्राइब कहे तो, और जो टाउन है उसमें जो लोग रह रहे हैं उसके जो रहने के का जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं, उसके जो बिहेवियर होता है, उसके जो रहन सहन जो होता है उसको कहते हैं कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर में ये एक डिफरेंस है। आगे देखते हैं, जो कल्चर है वो एंड है, वही जो सिविलाइजेशन है वो माध्यम है। कल्चर क्या दर्शाता है कि हम क्या है, कल्चर दर्शाता है कि हम क्या है, हम कौन थे, उसके बारे में जो कल्चर है वो ओवरव्यू देता था। और वही जो सिविलाइजेशन है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि हमारे पास क्या है। ये दोनों डिफरेंस है कल्चर और सिविलाइजेशन में। कल जो रिफ्लेक्टेड इन जो कल्चर है वो किस में रिफ्लेक्ट करता है, जो रिलीजियंस होता है, जो हमारा आर्ट होता है, डांस होता है, लिटरेचर, कस्टम, म्यूजिक्स, फिलोसॉफी, ये सब होता है उसमें जो कोई जो एक प्रकार की जो पैटर्न होती है उसको कहते हैं कल्चर। वही सिविलाइजेशन किस में रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारा लॉ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सोशल अरेंजमेंट, यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमेशा ही शांति प्रिय रही है वो दर्शाती है कि जो हमारी जो पहले की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो जो भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का और वर्धमान महावीर ने जो अहिंसा का पाठ दिया था उसका पालन अब भी हम कर रहे। तो जो ये सिविलाइजेशन होता है वो क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लॉ, कुछ जो लॉ है वो भी प्राचीन लोग की तरह ही कुछ कुछ सिमिलरिटी रखते हैं। और ये जो कल्चर होता है वो हमारा जो रिलीजन, हमारा आर्ट, हमारा जो म्यूजिक्स, इन सब में उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो उसमें दिया जाता है। वही जो सभ्यता है उसको मापा जा सकता है, लेकिन संस्कृति यानी कि जो सिविलाइजेशन है उसको नापा नहीं जा सकता। और ये जो सभ्यता होती है उसका जो काल होता है, सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो छोटा होता है। वही संस्कृति है वो क्या होती है कि जो ज़्यादा टाइम पीरियड, संस्कृति का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, या कह जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देख लीजिए उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना छोटा है। वही हमारा इंडियन कल्चर देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है,
कल्चर का कोई एडवांसमेंट नहीं होता, वही जो सिविलाइजेशन होता है उसका एडवांसमेंट होता है। अब आगे देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया विच स्प्रेड अक्रॉस ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड इन प्रेजेंट डे इंडिया इन पाकिस्तान। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु खीण की जो संस्कृति है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी या कहे तो दुनिया की भी, वो उस समय समकालीन जो विश्व था उसकी कंटेम्पररी वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी एरिया में, जो कि हाल ही के जो पाकिस्तान और जो भारत है उसमें ये फैली है। द टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एस्टिमेटेड बिटवीन 2700 BC और 1900 BC, यानी कि 800 साल तक ये सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा था। और कुछ जो एविडेंस मिले हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के, उसके मुताबिक ये जो सिविलाइजेशन है वो 5500 BCE तक बीसी तक के जो अवशेष मिले हैं वो दर्शाते हैं कि जो ईसु से पहले 5500 साल तक साल से ये जो सिविलाइजेशन है वो अभी चली आ रही है। अब उसका विस्तार कितना है वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये मैप में कि कंटेम्पररी वर्ल्ड में कौन कौन सी सिविलाइजेशन तब एग्जिस्ट कर रही थी। उसमें एक है इजिप्ट, जो कि नाइल रिवर के आसपास थी, नाइल जिसे, और दूसरी जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस जो रिवर थी उसके आसपास जो जो सभ्यता पनप रही थी उसको कहते हैं मेसोपोटेमियन। और तीसरी थी चाइना में, जो कि हवांग हो रिवर के आसपास पनप रही थी। और ये देखिए, इन सब में सबसे बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये सब जो लैंड थी वो, ये देखिए, इजिप्ट की जो लैंड थी वो ज्यादातर रेत रेत ही थी। वहीं ये जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के आसपास भी वो रेत का जो जमीन रेत की जो जमीन थी वो ज्यादा थी। वही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका विस्तार इतना क्यों है? क्योंकि यहाँ तक जो सारी की सारी जो लैंड थी वो एलुवियल सोइल थी, इसीलिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका विस्तार ये तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा था। और अब देखते हैं उसकी डिस्कवरी, उसकी शोध कब हुई थी। द एरिया ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज ट्रायंगुलर इन फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा कि जो ये जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन या कहे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ट्रायंगुलर शेप में एक्सटेंड कर रही थी। और इसका जो विस्तार था वो 12 लाख स्क्वायर किमी तक था। ये कंटेम्पररी वर्ल्ड में सबसे बड़ी थी। की शोध कैसे हुई? 19वीं सेंचुरी है उसमें ब्रिटिश इंजीनियरिंग जो मुल्तान तक जो रेल लाइन बिछा रहे थे उसमें उन्होंने ये जो बेलास्ट होता है रेल के नीचे, रेल की जो पटरी के नीचे जो पत्थर लगाए जाते हैं उसके लिए उन्होंने जो वहां पर एक जो पुराना टीला था वहां से ऐसी रेडीमेड जो ईंटें थी वो बनी थी, इसलिए वहां से वो ला रहे थे। लेकिन इंजीनियर्स को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चला कि ये तो बहुत ही प्राचीन सभ्यता के कुछ अवशेष है, इसलिए इन्होंने इसके बारे में इंडिया की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे उनको बताया। और इसकी जो शोध है वो 1921 में आरडी बेनर्जी द्वारा करी गई है। हालांकि जो चार्ल्स मेसन था उसने 1826 में ये जो सभ्यता का जो ये जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेंस है उसको खोज निकाला था, लेकिन जो ये सभ्यता है उसके बारे में जो कहे तो टेक्निकली जो पहला जो किसी ने सर्वेक्षण किया तो वो थे कनिंगम, जिसने 1856 में इसके बारे में ये जो आर्कियोलॉजी ये जो साइट्स मिली थी उसका एक जो कहे तो मैकेनिज्म बनाया और इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। और 1921 में दयाराम साहनी ने ये जो हड़प्पा है उसका उत्खनन किया।
और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा? क्योंकि तब जो सिंधु नदी थी उसके आसपास ये जो सिविलाइजेशन सभ्यता है वो पनपी थी, इसलिए इसका नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। ये साथ ही साथ सुमेरियन और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन सभ्यताएं थी उसी की तर्ज पर वो काफी इम्प्रेसिव और एडवांस भी थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, रिलीजियस इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, ये सब उसके उसके जैसे ही एडवांस थी। अब देखिए उसका जो फैलावा है वो कितना है। ईस्ट में ये वेस्टर्न यूपी तक फैला है, वही वेस्ट में मकरान कोस्ट यानी कि जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर बलूचिस्तान है, यहाँ पर ये फैला हुआ है, वही जम्मू में मांडा यहाँ पर फैला हुआ है, वही जो साउथ है उसमें नर्मदा तक ये उसका जो फैलावा है। ये देखें यहाँ सारी की सारी जो इसका विस्तार इतना क्यों है कि जैसा कि मैंने बताया ये जो सभ्यता है वो एलुवियल प्लेन में यानी कि जो नदी के आसपास की जो जमीन होती थी वो काफी प्रोडक्टिव भी होती थी, इसलिए भी जो ये हरप्पन सिविलाइजेशन है वो दूसरों की बजाय वो काफी एरिया में विस्तृत रीत से वो फैली हुई थी। ये देखिए यहाँ पर भी ये मैंने मैप दिया है, इसमें मेजर हड़प्पन साइट, यहाँ एक मोहनजोदड़ो है, दूसरा है हड़प्पा, ये आपको याद रखना है। जो जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल रुइंस एज इंडस सिविलाइजेशन, ये जो जॉन मार्शल थे उन्होंने ही पहली बार ये जो है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। हालांकि पहले जो चार्ल्स मेसन ने और कनिंगम में इसके बारे में सर्वेक्षण तो किया था, लेकिन इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। और दूसरा जो हड़प्पा साइट है वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई, मोहनजो दाड़ो है उसको 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया है। वही धोलावीरा जो साइट है उसके बारे में जेपी जोशी और आरएस बिस्त जो कि इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक जो विस्तृत कहे तो विस्तृत अभ्यास किया है। काली बंगान पर घोष जो एक घोष थे उन्होंने इस पर एक जो विस्तृत कहे तो जो अभ्यास शोध किया सर्वेक्षण ये सब उन्होंने किया है। अब इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था दूसरे दूसरी सभ्यता के साथ जो रिलेशन है वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जो उसका जो इको सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था सिविलाइजेशन का, उसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। जो उसकी जो सोसाइटी थी वो जो स्टैंडर्ड सिस्टम जो थी, जो तोल माप जो पद्धति थी उसमें वो काफी एक्यूरेट थी, और जो हरप्पन्स थे वो स्कल्पचर बनाने में, सील्स में, पोटरे में भी काफी फेमस थे, ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी बनाने में मटेरियल्स में से वो ज्वेलरी बनाने में जैसे कि टेराकोटा है, मेटल है, स्टोन है, उससे वो ये जो ज्वेलरी बनाने में वो काफी माहिर थे, इसलिए भी दूसरे देशों के जो जो दूसरी सभ्यताएं थी उसके साथ उनका जो व्यापार था वो काफी अच्छा चल रहा था। वही कहीं ऐसे नगर मिले हैं वहाँ व्यवसाय और उसका व्यवसाय है वो एक उसका एक व्यवस्थित रूप से उसको एक एस्टाब्लिश किया गया है। कहाँ कहीं जगह पर मिट्टी के बर्तन बनाने के जो फैक्ट्रियां मिली है, उसके जो मिट्टी के बर्तनों पर जो काले रंग के जो विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए जाते थे, वही कपड़े बनाने का व्यवसाय भी उस ये जो सिविलाइजेशन थी वहां पर ये पनप रहा था। द सोशियल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये जो लोग थे वो पूरी तरह सिविलाइज्ड हो गए थे। जैसा कि नियोलिथिकल जो एरा था उसमें लोगों ने जो ह्यूमन था वो सिविलाइज तो हो गया था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि वो अपना अपना आप से कुछ लिख सके, ये अपने जो
आर्ट है, कल्चर है, उसको विकसा सके। लेकिन ये जो कैलकोलिथिक एरा या कहे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें ये जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो पीपल सिस्टमेटिक लाइफ और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ वो जीने लगे थे। खाना बदोशी नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे, लेकिन सिस्टमेटिकली वो खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, और उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। इंडस वैली जो रिसर्चर है उनका ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोग हैं वो भी कौन है, वो ये जो अरावली हिल्स के आसपास के जो रोल जो लोग रह रहे अभी, संथाल है, भील है, गोंड पीपल, मुंडा पीपल, ये सब जो लोग हैं उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कहा जाता है। वही ये जो मंगोलॉयड लोग के जो जो मंगोलॉयड का ओरिजिनल होमलैंड है उसको मंगोलिया, फिर चाइना चाइना है वो कहा जाता है। और साथ ही साथ जो लद्दाख, सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कुछ जो पीपल है वो सब कौन है, वो सब है मंगोलॉयड रेस के लोग। वही जो मेडिटेरियन है उसको पेलियो मेडिटेरियनियन, मेडिटेरियनियंस और ओरिएंटल मेडिटेरियन, मेडिटेरियनियन जैसे सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे। और हड़प्पन सोसाइटी थी वो भी अभी की तरह क्लास डिवाइडेड सोसाइटी थी, लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन था वो कास्ट बेस्ड नहीं था, वो सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन, जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उसके बेस्ड था। इंडस वैली साइट्स हैव डिस्टिंक्ट बरियल ऑफ द डेड प्रैक्टिस, यानी कि जो सूरकोटड़ा और धोलावीरा के जो कुछ जो रियूंस मिले हैं, कुछ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके मुताबिक इंडस वैली कुछ जो सिविलाइजेशन है उसके पीपल बरियल प्रैक्टिस को प्रैक्टिसाइज करते थे। अब जो वो लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी भार देते थे, इसीलिए भी उन्होंने जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया था एग्रीकल्चर के लिए। माफ करना, यहाँ एफ्रीकल्चर लिखा गया है, यहाँ है एग्रीकल्चर, जी की बजाय एफ लिखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर के लिए वो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जो गाय है, बफेलोस है, भेड़ बकरिया है, सुअर है, वाइल्ड एस और घोड़ा, ऊंट और हाथी जैसे जो एनिमल्स है उसको उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया था। यहाँ पर ये देखिए, बेल है, बुलोक काट है, यहाँ पर उसका इस्तेमाल वो लोग ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर के लिए करते थे। वहीं एक जो जो टेराकोटा का जो टॉयस मिला है, ये एक बकरी का टॉयस है, वही ये एक बुल का टॉयस है। ये सब टेराकोटा में बनाए जाते थे। इससे हमें पता ये चलता है कि ये जो हड़प्पन जो लोग थे वो उन्होंने जो वाइल्ड एलिमेंट थे माफ कीजिएगा वाइल्ड एनिमल्स थे उसको डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया था, और उसका जो इस्तेमाल है वो ट्रांसपोर्टेशन है, मोबिलिटी है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी वो लोग इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। और साथ ही साथ जो 70 से 80% जो जो एनिमल्स के जो बोन्स मिले हैं वो सब डोमेस्टिक एनिमल्स के ही है। अब उसकी जो कुछ लाइफस्टाइल है वो कैसी थी उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ज्वेल ज्वेलरी है वो मेन हो या वीमेन, दोनों के जो बरियल प्लेसेस है, जो उन जहाँ पर उनको दफनाया गया है वहाँ पर ये जो ज्वेलरी है वो पाई गई है। और साथ ही साथ जो ये जो ज्वेलरी है वो हाथी दांत से भी बनाई जाती थी, कॉपर से भी वो बनाने लगे थे। इसलिए भी ये भी कहा जाता है कि ये लोग है वो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल, उनको नॉलेज काफ़ी था, तकनीकी ज्ञान वो तकनीकी ज्ञान जो था वो काफ़ी अच्छा था। फूड्स तो वो लोग खाना वगैरह वो कैसा खाते थे, जो मोस्ट कल्टिवेटेड जो कोई आइटम थी वो था कपास और गेहूं। वो लोग काफी अच्छे कंडीशन में कुछ एविडेंस मिले हैं गेहूं के। वो लोग चावल नहीं उगाते थे क्योंकि जो
इनकी जो सिंचाई जो पद्धति थी वो उतनी रिलेवेंट नहीं थी, इसलिए भी ये जो लोग थे वो चावल को नहीं उगाते थे, लेकिन काफी मात्रा में वो गेहूं उगाते थे और जो कपास था उसका इस्तेमाल वो ट्रेड के लिए करते थे, कपड़े बनाने के लिए भी ये करते थे, और उन्होंने साथ ही साथ मवेशियों को भी पालना चालू कर दिया था। वो गाय रखते थे, भैंसे रखते थे, उनके उनको डोमेस्टिकेशन उन्होंने उसका डोमेस्टिकेशन भी चालू कर दिया था, और साथ ही साथ काफी ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर ये लोग मिठाई भी बनाने लगे थे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं हाफ बर्न्ट बोन्स जो मिला है हड़प्पा और मेहरगढ़ से, उससे पता चलता है कि ये लोग साथ वेजिटेरियन वेजिटेरियन थे, साथ ही साथ वो नॉन वेज आइटम्स भी वो खाते थे। अब उनका जो आर्ट एंड कल्चर था वो कैसा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो मोस्ट फेमस जो है वो ब्रॉन्ज स्टैच्यू है एक डांसिंग गर्ल की, जो कि अभी दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर रखी गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मार्वेलस क्राफ्टमैन यानी कि वो नक्काशी काम बहुत अच्छा जानते थे। वो पॉटरी के ऊपर जो एंग्रेविंग की जाती थी, जो पेंटिंग की जाती थी, वो भी उस जो जो टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, उसमें भी वो काफी एडवांस थे, और साथ ही साथ वीविंग एंड मेटल वर्किंग, मेटल के ऊपर जो तांबा है, सोना है, चांदी है, वो उस सब धातु से ये लोग अवेयर थे, और इनको वो इस्तेमाल काफी अच्छा इस्तेमाल करते थे। एक जगह पर इसका एक कांसे का जो शीशा है वो भी पाया गया है, और साथ ही साथ गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा के जो कुछ टॉयस है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के कुछ टॉयस है, ये सब इस जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वहाँ पर ये पाए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा कोई जो चीज इसमें पाई गई है तो वो है टेराकोटा के जो फिगर्स है, टॉयस है, जैसे कि कार्ट, बुल, एलिफंट, मंकीज, चेरियट। ये जो लोग थे वो मंकी है, स्क्विरल है, उसका जो वो टॉयस बनाते थे वो हूबहू ही ऐसा ही बनाते थे, इसीलिए भी ये भी हमें पता चलता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी वो माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छी थी। लेकिन हालांकि म्यूजिकल कोई ऐसा रूइंस हमें आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट हमें ऐसा मिला नहीं है कि जिसे हमें पता लगे कि ये लोग जो म्यूजिक है उससे अवेयर थे या नहीं, लेकिन ये जो डांसिंग गर्ल है उससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो लाइफ थी, सोशल लाइफ, उसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल था। अब उनकी इकोनॉमी पर आते हैं। उनकी इकोनॉमी थी वो अग्रारियन इकोनॉमी यानी कि कृषि के ऊपर आधारित थी। वो हड़प्पा के लोग वो खेती के ऊपर ज्यादा आधारित थे, क्योंकि जो हड़प्पा के आसपास की जो जमीन है, इंडस जो नदी है, सिंधु नदी के आसपास की जो जितनी भी ये फर्टाइल लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी सूटेबल है, तो एग्रीकल्चर है वो काफी उस टाइम पर डेवलप हुआ था, और वो लोग थे काफी जगह पर, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वहां पर ये जो कहा जाए तो वो रिमेन्स मिले हैं, खाद्यान्न जो जहाँ पर स्टोर किया जाता था, जो खेती बाड़ी के कुछ जो साधन भी मिले हैं, जैसे कि हल भी मिला है, बुलोक काट तो आपने देखा ही होगा, और काफी ऐसी जगह है जहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज भी बनाए गए हैं। इन्होंने जो दुनिया में सबसे पहला जो जिसने भी कपास उगाया था तो वो थे हड़प्पा के जो लोग थे, उन्होंने ही दुनिया को कपास के बारे में बताया। कपास का पहला जो उत्पादन था वो हड़प्पन लोगों ने ही चालू किया है। द एग्रीकल्चर वॉज फ्लरिशिंग कंडीशन विच वॉज ड्यू टू टाइमली एंड गुड रेन्स, क्योंकि एग्रीकल्चर काफी अच्छा इसीलिए भी था क्योंकि जो बारिश थी वो टाइम पर आ जाती थी, साथ ही साथ सिंधु नदी का जो पानी था वो भी इनको इनकी सिंचाई के लिए काफी रिलेवेंट था, इसीलिए भी ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड उनकी इकोनॉमी है वो काफी अच्छी होने लगी थी।
ये देखिए, यह बुलेट कार्ड प्लेड ए वेटर रोल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हरप्पन पीपल। ये उसका जो मुख्य आधार था ट्रांसपोर्टेशन का वो था बुलोक कार्ट। इसीलिए भी जो जितनी भी जो साइट्स मिली है उसमें जो टेराकोटा के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, आर्टिफैक्ट्स है, वो सब उसमें ज्यादातर तो ये बुलोक कार्ट जैसे ही है, क्योंकि ये जो बुलोक कार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के लिए काफी इस्तेमाल होते थे। वो लोग घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते थे, क्योंकि वो घोड़े को भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन जो बैल थे उनको कंट्रोल करने लगे थे। इसलिए भी कहीं पर भी जो बैलगाड़ी की बजाय जो घोड़ा गाड़ी है उसके आर्टिफैक्ट टेराकोटा टॉयस कहीं पर भी उतने नहीं मिले हैं। उनको उनके जो टेक्नोलॉजी थी मेटल के बारे में वो काफी अच्छी थी। वो लोग जो सोना है, चांदी है, टिन, पीतल, ये सब धातु से वो अवेयर थे। देर वॉज यूज ऑफ मेनी काइंड ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेपिस लेजुली, टर्कोइज, एमेथिस्ट, एल्बास्टर, जेड, ईटीसी। यानी कि ये लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे जो धातु, खनिज धातु है, उनसे वो जो बर्तन भी बनाते थे, साथ ही साथ ज्वेलरी थी वो भी ये सब लोग बनाते थे। और वो सब कहाँ से लाते थे? जो जेड है वो कहाँ से आता है? सेंट्रल एशिया यानी कि मेसोपोटामियन जो कल्चर था वहां से आता था। टर्कोइज आता था ईरान यानी कि जो फारस की जो जो संस्कृति थी वो भी मेसोपोटामियन संस्कृति का भी एक भाग था। साथ ही साथ जो सुमेरियन जो सिविलाइजेशन था वहां से आता था। और इंडिया में भी वो लोग जो ये एमेथिस्ट थे वो कहाँ से? महाराष्ट्र से वो लाते थे। उसके साथ साथ ही ये जो रॉ मटेरियल है उसके अलावा भी ये जो कुछ ऐसे जो मेटल्स होते हैं उसके वो वेपन्स बनाते थे, पॉट्स बनाते थे, उसका इस्तेमाल वो खाने वगैरह की चीजों में बर्तन के तौर पर वो करते थे। साथ ही साथ जो जो वेपन्स थे और ये जो सोना है, चांदी है, उन ऐसे जो मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल एज ए वेपन, हथियार बनाने के लिए भी वो इसका इस्तेमाल करते थे। और वो साथ ही साथ जो वो जो मेटल्स की जो कमी है वो कहाँ से पूरी करते थे? कॉपर ले आते थे खेतरी माइंस राजस्थान में, चर्ट ब्लेड्स फ्रॉम रोहरी हिल्स ऑफ सिंध, और कार्नेलियन बीड्स फ्रॉम गुजरात एंड सिंध, लीड फ्रॉम साउथ इंडिया, लापिस लाजुली फ्रॉम काश्मीर एंड अफगानिस्तान, टोरकोइस एंड जेज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जैसा कि सुमेरियन और जो मेसोपोटामियन लोग थे उनके साथ उसका जो माइंस का जो व्यापार था, खनिज मेटल्स का भी जो व्यापार था। अभी हम जो मेटल्स का व्यापार कर रहे हैं जैसे कि कोयला है, आयरन ओर है, हम कैसे दूसरे देशों से मंगवाते हैं, वैसे भी ये लोग दूसरी जो सभ्यता थी वहां से ये लोग मंगवाते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार में भी काफी एडवांस थे। जे और लोथल और धोलावीरा जो साइट्स है वहां पर इनके बनाने के लिए कुछ जो फैक्ट्रिया है वो भी यहाँ पर पाई गई है। अब उसका जो रिलीजियन था वो कैसा था? क्योंकि अब वो पूरी तरह सिविलाइज्ड लोग हो गए थे इसलिए भी वो रिलीजियन को भी फॉलो करते थे। वो लोग बहु ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। दे बिलीव्ड इन पॉलीथेइज्म यानी कि जो अलग अलग जो ईश्वर है उसके ऊपर वो बिलीव करते थे, क्योंकि उनका मानना था जो आग है, अग्नि देवता है, पानी के देवता है, और वो सब नेचर को वर्शिप्ड करते थे, इसलिए भी उसको पॉलीथेइज्म कहा जाता है। उसका जो जो मेन जो गोडेस थी वो थी मदर गोडेस यानी कि मातृ देवी, या कहे तो जो पृथ्वी माता है उसको वो मातृ देवी कहते थे। और साथ ही साथ वो पशुपति जो कि अभी हम भगवान शिव का ही एक जो रूप है उनको मानते थे, तो इसलिए भी ये लोग जो पशुपति है उसका भी वो पूजा करते थे। साथ ही साथ प्रैक्टिस द फेलिक वर्शिप यानी कि वो लिंग पूजा भी वो लोग करते थे। और साथ ही साथ ट्री अकेशिया जैसे जो अकेशिया है, अशोका ट्री है, उसको भी ये लोग है उसकी पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे,
यूनिकॉर्न की पूजा, सेवन रेड सन्स, ये देखिए यहाँ यहाँ पर दिया गया है पशुपतिनाथ। ये जो सील है वो है पशुपतिनाथ की। इसमें बाघ है, बैल है, राइनो है, ये सब जो जो एनिमल्स है उसके जो पालन करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पशुपतिनाथ। इसलिए भी ये लोग जो पशुपतिनाथ है उसको फादर गोडे गोड तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसका वो उसकी जो पूजा है वो लोग एज ए नेचर करते थे। और ये जो मूर्ति है वो है मदर गोडेस की, उसकी जो मेन जो देवी थी मदर गोडेस, ये मूर्ति उसकी है। ये है वन जो यूनिकॉर्न है उसकी भी ये लोग पूजा करते थे। साथ ही साथ ये जो अर्थ गोडेस है उसकी भी ये लोग पूजा करते थे। तो हमें इस सब से ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अब पूरी तरह से सिविलाइज हो गए थे, क्योंकि नियोलिथिक में और कैल्कोलिथिक जो पीरियड था उसमें लोग सिविलाइज तो हो गए थे, लेकिन वो रिलीजियस को फॉलो नहीं करते थे। और साथ ही साथ उसका जो कल्चरल एक्टिविटीज थे वो भी काफ़ी उतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें ये लोग आर्ट को बढ़ावा देते थे, कल्चर को भी बढ़ावा देते थे। वो अब पूरी तरह सिविलाइज्ड हो गए थे। अब वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे, वो कल्टीवेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मानव के जो इतिहास की जो उत्पत्ति है उसलिए उसका अध्ययन के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट जो साइट्स है उसके बारे में जानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे मेजर आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है, हड़प्पन साइट्स है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि उनके सुमेरियन के साथ, इजिप्शियन के साथ, मेसोपोटेमियन के साथ कैसे कल्चरल रिलेशन और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिलेशन, फॉरेन रिलेशन कैसे थे, वो सब हम अगले वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।